हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं iOS 17 के स्टेबल अपडेट से हम iOS 16 के स्टेबल वर्जन पर कैसे जाए। इसके लिए अगर आप वीडियो ढूंढ रहे हो, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ लेके मैं आया हूँ। लोगों को 16 पर जाना है अब, लोग आप iOS 17 से iOS 16 के स्टेबल अपडेट पर नहीं जा सकते हो। पहले आप जा सकते, जब iOS 17 का स्टेबल अपडेट रिलीज़ हुआ था तो एक दो वीक के अंदर ऑप्शन था iOS 16.5 के ऊपर आप जा सकते हो, बट अभी ये ऑप्शन नहीं है। IPSW के वेबसाइट पे जाओगे तो iOS 16 की कोई भी आपको फाइल नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आप ढूंढ रहे हो, वीडियो नहीं मिलेगी, अगर डाउनग्रेड करना भी चाहोगे तो आपका फ़ोन बीच में स्टक हो जाएगा। इसलिए अब iOS 17 पे हो तो आप iOS 17 के आगे के जो वर्जन है आप एटलीस्ट जो है यूज़ कर सकते हो। और आप iOS 16 के बीटा पे भी जाना चाहोगे तो बीटा ऑप्शन भी नहीं मिलेगा आपको। अगर जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट में बीटा अपडेट्स करोगे तो iOS 17 का बीटा अपडेट शो होगा और iOS 17 का स्टेबल अपडेट, बाकी कोई भी आपको iOS 16 का बीटा अपडेट भी वहां पे शो नहीं होगा।